दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोगनवेलिया की। कहते हैं ना कि इसको लगा डाला तो बगिया होगी फूलों से झींगा लाला। तो बोगनवेलिया दोस्तों विभिन्न रंगों में होता है और अगर आपने इसको लगाया तो पूरे साल, लगभग पूरे साल आपकी बगिया को ये फूलों से भर देगा। ये कलम से हमने लगाया है, आइए आगे आपको हम दिखाते हैं। इसमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। कहते हैं ना कि हर्रा लगे न फिट करी रंग चोखा, तो वही स्थिति है इसकी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको हम उगा सकते हैं। तो दोस्तों हालांकि इसकी जो कलम है ये बारिश में लगती है, लेकिन मैंने सारे कलम को ठंड में उगाया है और मेरी लगभग कलम उग गई है। तो एक पौधा मैं आपको यहाँ से उखाड़कर दिखा रही हूँ। उखाड़कर मीन्स इसको मैं कहीं लगाऊंगी, इसकी बस जड़ ना टूटे उस चीज़ का मुझे चिंता है। और इतना ज़्यादा इसमें पौधे मैंने एक साथ लगा दिए हैं कि ये एक मिनट, और कितना बड़ा है दोस्तों ये पौधा। मैंने बड़ी सी कलम लगाई थी, कलम तो छोटी। चलिए मैं पहले इसको एक जगह रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैं उगाऊंगी और ये कितना बड़ा है मैं आपको दिखा रही। बड़ा क्या, ये बड़ा हो गया, जबकि ये अभी करीब दो महीने का होगा पौधा ये। और इसकी जड़ें देखिए कि किस तरह से निकली हुई हैं, ये देखिए। वाह, मुझे खुद ही कभी कभी ना ऐसे ऐसे मैं काम कर जाती हूँ कि मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं होता कि मैंने किया क्या। ये देखिए, एक मुझे बना बनाया बोनसाई मिल गया। इसकी मोटी डाल को मैंने उगाया था। अब मैं आज तो नहीं, लेकिन कुछ दिन में इसको मैं प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि आज इसको मैं और सॉक में नहीं डालूंगी। तो यहाँ मैं इसको दोस्तों तुरंत लगा देती हूँ, ज़्यादा देर, क्योंकि ये टाइम नहीं है पौधे उगाने का। बस मैं इसके इसके लिए बना रही थी वीडियो, इसलिए मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना बड़ा है। तो इसको दोस्तों मैं तुरंत मिट्टी में, मेरा पहले से जड़े इसकी देखिए, देखिए कितनी शानदार जड़ें निकली हैं। और मैंने कितने अच्छे से इसको नीचे से निकाला है कि मैं इसकी जड़ों को प्रभावित नहीं होने दिया। तो थोड़ा सा मैं और दोस्तों इसमें गड्ढा कर लूं ताकि जड़ें इसकी दबे ना। ये देखिए, अब मैं इसको इसी में रख दूंगी दोस्तों। इसको जैसे यहां से जड़े हैं ना, तो थोड़ा सा दो अंगुल एक और ऊपर से इसको आप दबाइएगा मिट्टी में। वाओ, अब मैं इसको रख दूं तब तो बनेगा ना। पूरे हाथ में तो मिट्टी लगी है मेरे। आहा, कांटा लग गया। ये हमने उगा दिया और ये मतलब कि 2 महीने 3 महीने में इतना बड़ा पौधा, इसकी डालें यहाँ तक जा रही हैं। ये देखिए, अब इसमें जगह है और है दोस्तों, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दो कलर का इसमें डाल दूँ। तो एक पौधा मैं और लेके आ रही हूँ। हालांकि ये सही टाइम नहीं है पौधे उगाने का, मतलब पौधे को जब भी आप रिपोर्ट करें शाम को करें, तो उसको रात में जो ठंडक मिलती है उस पौधे को स्थिर होने में राहत मिल जाती है और उगने में उसको सहायता मिल जाती है। लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी छाया वाली जगह है, इसलिए मैं इसको डाल दे रही हूँ और तुरंत ही निकाल के बहुत ही आसानी से, सावधानी से निकाल कर इसमें लगा दे रही हूँ, तो मरने के चांसेस नहीं हैं। अब मैं एक और अच्छा सा पौधा, जो उसी टाइम का जो मैंने लगाया हुआ था कलम, उसी को मैं खोजूंगी जो सबसे अच्छा होगा और उसको निकालूंगी और उसमें लगाऊंगी। कोशिश करूंगी कि दूसरा कलर हो, लेकिन कलर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो वही कलर है देखिए जो खिला हुआ है। इसको नहीं लूंगी मैं, कोई दूसरा खोजती हूँ। दोस्तों मैंने बहुत ही गलत तरीके से, मतलब तरीका मतलब ये था कि बहुत सारी कलम लेके मुझे आइडिया था नहीं कि सब की सब उग जाएंगी। अब मैं एक एक मूठा बना बना के गाड़ दी थी। अभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ऐसा मतलब करना पड़ेगा कि जब उखाड़ो तो सबको पॉट दो, तो सबके लिए पॉट है नहीं। अभी मुझे सिंगल पौधा मिल नहीं रहा, मैं खोज रही हूँ, लेकिन मेरी खोज जारी है, नहीं हो पाया दोस्तों। तो मैं अपने पौधे खराब नहीं करूंगी, मैं पॉट लाऊंगी और ये वाले एरिया को पूरा एक साथ उखाड़ूंगी, जो कि लगभग दस पौधे हैं। तो इनको खींच के नहीं उखाड़ा जा सकता दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कलम अगर उगा रहे हैं तो उनको खींचिएगा मत, नहीं तो जड़ें अंदर ही रह जाएंगी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो फिर आपका पौधा मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं अब नहीं लेती, देखते हैं फिर।
तो दोस्तों जरूर उगाएं आप बोगनवेलिया, खूबसूरत खूबसूरत। पौधे लगाने के बाद पानी का स्प्रे जरूर करें, थोड़ी सी पानी के स्प्रे उसके जड़ों में भी करें ताकि पौधे को राहत मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही नॉर्मल मिट्टी में ये तैयार होता है। बारिश के टाइम में ये कटिंग से आराम से तैयार होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। मैंने 5,500 पौधे जो है इसकी कटिंग से तैयार किए हैं। बारिश के टाइम में चाहे इसकी मोटी टहनी लें या पतली टहनी लें, ये सबसे तैयार हो जाता है। इस पौधे को पानी कम चाहिए, खाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसका पॉट भी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इसको धूप भरपूर चाहिए, इवन सारे दिन की धूप चाहिए। ये हमारा 4-5 साल का पौधा है जिसको हमने कलम से ही उगाया है। दोस्तों इसको रूट बाउंड बहुत पसंद है, तो अगर हम गहरा पॉट लेंगे तो रूट बाउंड नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसा आपका गहरा पॉट है तो नीचे इसमें कंकड़ पत्थर भर दीजिए, ऊपर थोड़ी सी जगह पे आप मिट्टी भरिए। दोस्तों बीच बीच में इसकी गुड़ाई करें, 1-2 महीने में, देखिए जैसा कि मैंने किया है, तो इसको ऊपर ऊपर गुड़ाई करना है, इसके नीचे की जड़ों को नहीं छेड़ना है, ना तो इसको बहुत मिट्टी को इसके नीचे सॉफ्ट बनाना है। दोस्तों इसकी 90% जो पत्तियां हैं इनको रिमूव करते रहें, जैसा कि मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि इस तक मैं पहुंची नहीं। ये देखिए इस तरह से पत्तियों को आप हटाते रहें, पानी इसमें तभी दें जब इसकी पत्तियां झुकने लगें, प्यास से जब इसकी पत्तियां झुकने लगें। इसके टिप को काटते रहें, अभी मैं नहीं काटूंगी, इसकी कटाई छटाई प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, मैं फ़ोन रखने के बाद काटूंगी क्योंकि एक हाथ से बनता नहीं है। पत्तियों को तोड़ते रहें, सूखी पत्तियों को निकालते रहें, जब तक इसमें फूल ना आ जाए। इसके टिप को भी काटते रहें, तोड़ते रहें, इसकी कटाई छटाई करते रहें। जैसे इसमें फूल आए, हाँ पानी बहुत कम देना है, लेकिन जैसे इसमें फूल आए इसके पौधे में नमी बनाए रखना है, नहीं तो फूल जो है बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। तो इसको सेप में रखने के लिए इसकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। ये बहुत खूबसूरत पौधा है, पूरे साल आपको फूल देगा, 1-2 महीने जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब छोड़ के। बाकी इसको देखिए, मैंने धूप में एकदम जो शुरू की ही धूप लगती है, उगते से लेके सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहाँ मैंने रखा हुआ है। और ये एकदम से इसको मैंने छांट दिया था, ये ठूंठ था, मैं उखाड़ के नीचे से लेके आई थी, वहाँ नहीं फूल रहा था। अब ये ऐसे खेल रहा है, इसमें फूल भी आ रहे हैं, और बस इसको थोड़ी सी देखभाल चाहिए। ज़्यादा इसको ना तो इसको खाद ज़्यादा चाहिए और ना ही इसको ज़्यादा देखभाल चाहिए। पानी इसको कभी कभी 2-4 दिन में इसको पानी दीजिए, तब दीजिए जब इसकी पत्तियाँ सूखने लगे। ये पूरा साल आपका पौधा हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। अभी मैं इसकी करूँगी थोड़ी सी कटाई और पत्तियों को करूँगी रिमूव, मोबाइल को रख के। ये लगभग मैंने इसकी पत्तियों को रिमूव किया और इसकी टिप को काट दिया है। अब इस टाइम पे दोस्तों ये फूल आने का टाइम है, इसमें आप एक मुट्ठी खाद दे दीजिए और पानी भी दे दीजिए। तो इस टाइम की थोड़ी सी देखभाल, ये पौधा आपका फूलों से भर जाएगा। एक पौधा हमारा यहाँ पर भी है, इसकी भी थोड़ी हम कटाई छटाई करेंगे और इसके पत्तों को रिमूव करेंगे। एक हाथ से बनता नहीं है ना दोस्तों, इसलिए मुझे दोनों हाथ फ्री करके काम करना पड़ता है। जैसे ये पत्तियों को आप हटा दीजिए, देखिए फूल 2-3 कलर का है, वैसे जो मैंने कलम लगाया है उसमें ढेर सारे कलर हैं, वो जैसे खिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। बस सब खिलने ही वाले हैं ये देखिए दोस्तों, कम से कम 50 पौधों की कलम हमने तैयार करी है, जिसमें से ये फूल आने शुरू हो गए हैं और हमें पता चलना शुरू हो गया है कि कौन सा कलर का ये फूल है, कौन कौन से कलर का है। लेकिन इसको मैं कल कोशिश कर रही थी उखाड़ने की, ये गीला था, मतलब सूखा था जमीन, इसलिए उखड़ा नहीं। इसको खींच के दोस्तों नहीं उखाड़ना है आपको कलम को, नहीं तो आपकी जड़ें टूट जाएंगी। और अगर जड़ें टूट गई, जब भी आप कलम लगाएं तो उसको खींच कर नहीं निकालें, उसको कोई खुरपी अंदर डालकर उसको उठा लें। अगर आप खींच के निकालते हैं तो जड़ें उसी में रह जाएंगी और आपके पौधे के मरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच।
आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।